बेटा जो मेरा नेक्स्ट है वो है आपका करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम करंट अफेयर्स 18 और 19 अगस्त पर फोकस करेंगे, 18 एंड 19 अगस्त। देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए, उस पर नजर डालते हैं। सितंबर करंट अफेयर्स 18th है, 19th अगस्त पे हमारा फोकस है 2020। इस पे हम फोकस करने जा रहे हैं बेटा, इस पर ध्यान दीजिए। चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। गौर फरमाएंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। एक सेकंड बेटा, ठीक है बेटा, तो ध्यान देना है। 18 अगस्त, अगर इस तारीख का हम महत्व देखना चाहें तो 18 अगस्त 1945 को यह खबर मिली कि सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में ताइवान में मारे गए, नहीं रहे। तो सो कॉल्ड डेथ ऑफ, ठीक है, डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन प्लेन क्रैश 18th अगस्त 1945। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिए बेटा। तो अगला जो पॉइंट है, डेथ के ऊपर बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आके ही रहेगा, लकीर खींच लीजिए। हमारे भारत के बहुत बड़े गायक, क्लासिकल सिंगर पंडित जसराज अब हमारे बीच नहीं रहे। याद रखिएगा, पंडित जसराज का डेथ हो गया कब? 17 अगस्त 2020 को, 90 वर्ष की आयु में, न्यू जर्सी अमेरिका में अपनी बेटी दुर्गा के साथ वहां रह रहे थे। पंडित जसराज को रसराज भी कहते हैं, मेवाती घराने से थे, हरियाणा के हिसार में जन्म लिए और बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हुआ करते थे। वी सांताराम, उनकी बेटी से शादी हुई, मधुरा सांताराम से। अब हम देखते हैं पंडित जसराज के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है, उसको गौर फरमाइए। आईएएस के एग्जाम से लेकर दिल्ली पुलिस के एग्जाम तक यह आएगा, कॉम्प्लिकेशंस थोड़े अलग अलग होंगे, सुनिए गौर से। डेथ पंडित जसराज उर्फ रसराज, ये ख्याल गायकी, ठुमरी गायकी, यानी हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे। 90 वर्ष की उम्र में मौत हुई, मेवाती घराना से थे, मेवात हरियाणा, और जन्म हिसार में हुआ था। उनके गांव का नाम था पीली मोंडोरी गांव। अब इनकी लाश को प्लेन से लाया गया इंडिया मुंबई, और मुंबई में दाह संस्कार हुआ। इन्होंने अपने जीवन का आखिरी जो लास्ट सिंगिंग किया था वो 14 अप्रैल 2020 को कोरोना में ऑनलाइन किया था, और कहा जो प्रयाग इलाहाबाद में, सॉरी वाराणसी में जो संकट मोचन मंदिर है उस मंदिर के लिए गायन किया था। 82 वर्ष की उम्र में 2012 में इन्होंने अंटार्कटिका में एक जहाज पर इन्होंने अपना म्यूजिक कंसर्ट दिया था, जहाज पर, और यह भी उन्हीं के नाम है यह परफॉर्मेंस, अंटार्कटिका में। पॉइंट क्लियर? और उसका नाम था सी एस्पिरिट क्रूज, उस जहाज का नाम था क्या? सी एस्पिरिट। अब आइए, ऐसे अंटार्कटिका में परफॉर्म देकर
सातों महाद्वीप में गायन करने वाले एकमात्र भारतीय गायक के तौर पर इनका नाम अमर हो गया। अब आइए, पहले ये तबला वादक थे, तबला बजाते थे ढुमचुक ढुमचुक। अब ध्यान दीजिए, पर जब इनकी मुलाकात एक बहुत बड़े सिंगर से हुए, कुमार गंधर्व, जो भीम पलासी गाते थे, तो कुमार गंधर्व ने कहा क्या चमड़ा पीट रहे हो, गायन करो। तब वो छोड़ दिए तबला और गायन में आ गए, और गायन में जो किया तो कमाल हो गया। इन्हें पद्म श्री, पद्म विभूषण अवार्ड और जितने संगीत के क्षेत्र का अवार्ड होता है सब मिला। अब ग्रैमी अवार्ड नहीं मिला, ठीक है, याद रखिएगा, तो ये अवार्ड सब मिला। इनका जो प्रिय गायन था मधुराष्टकम, और याद रखिएगा 2010 में अपनी पत्नी के साथ ये नॉर्थ पोल यानी आर्कटिक भी गए थे। तो ये कुछ टिपिकल चीजें हैं, नॉर्थ पोल, आर्कटिक जाना, अंटार्कटिका में गायन करया, सातों महाद्वीप में गायन करना। बेगम अख्तर जो गजल गायिका थी, ये जब बैंगलोर हैदराबाद में रहते थे तो जो स्कूल कॉलेज जाते थे ना, तो एक होटल वाला अक्सर एक ही गाना सुनता था, बेगम अख्तर का गजल थी एक बड़ी अच्छी गजल, वही सुनता था कि मतलब जो कर्म होगा उसको भोगना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। वो उनको खींच लिया और गायन में चले गए। तो याद रखना है, इन्होंने एक राग बनाया जसरंगी जुगल बंदी। जुगल मतलब दो यानी युगल, बंदी मतलब दोनों में बंदिश हो, बंदिश यानी साथ साथ गाए। तो जसरंगी जुगल बंदी एक नई गायन शैली जसराज ने बनाए, और इसमें लड़का और लड़की सिंगिंग करते हैं, दोनों अपने अपने राग में एट ए टाइम गाते हैं। अब ध्यान दीजिए, कुल मिलाकर के आपने देखा कि कितनी सारी जानकारी हमें प्राप्त हुई पंडित जसराज के बारे में। इनमें से 10 पॉइंट मानने का है, सवाल आएगा। अब आइए, डेथ एक और व्यक्ति का हुआ। ये जो हिंदी में दृश्यम मूवी बनाई गई जिसमें अजय देवगन है, उसका जो डायरेक्टर थे निशिकांत कामत, वो भी गुजर गए और बहुत यंग थे पर गुजर गए। अब आइए, नेक्स्ट हमारा जो है मणिपुर, जो हमारा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जनरली ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए तो अच्छा है, क्लाइमेट भी अच्छा है। तो नॉर्थ ईस्टर्न में मणिपुर, जिसकी गवर्नर है फिलहाल नजमा हेपतुल्ला, और मणिपुर को अब ऑर्गेनिक कृषि के लिए टारगेट किया गया है कि 100% वो 2025-30 तक जाते जाते 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग अपना ले। और नॉट ओनली द ऑर्गेनिक फार्मिंग, इवन ग्रीन स्टेट, यानी जितनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड वहां है उसका प्रोडक्शन जो है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे हो, यानी थर्मल का ना हो। तो ये चीजें दोनों को ख्याल से वहां पर बनाया गया है। अब नेक्स्ट में आइए बेटा, केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट का नाम जरा बता देता हूं, प्रोजेक्ट बहुत टफ है। तो जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है बेटा, याद रखिएगा, केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन हमारी गंगा नदी और उसकी कुछ सहायक नदियों में जो गंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे हम लोकल नेम पटना के आसपास बिहार में सूस कहते हैं, जो गंगा की सफाई कर्मी, स्केवेंजर ऑफ द गंगा, गंगा की दोस्त मित्र, द फ्रेंड ऑफ गंगा, गंगा की गाय, द काउ ऑफ गंगा कहलाता है, जो ब्लाइंड होती है और ह्यूमन फ्रेंडली भी होता है, और उसे देखें तो बहुत कम हो गया है, तो रेड डाटा बुक में भी है, इंडेंजर्ड एनिमल में भी आया है। उसके लिए हम ऑलरेडी बिहार में गंगा नदी से, गंगा नदी में पटना से भागलपुर तक एक पूरा पार्क बना दिया है, डॉल्फिन पार्क, और उसके लिए प्रिजर्विंग के लिए काम करते हैं, कंजर्विंग के लिए। और डॉल्फिन प्रोजेक्ट के तहत और पैसा लगा करके उसको और बेहतर तरीके से कंजर्व करने की बात हो रही है। तो ये है डॉल्फिन। अब इससे जुड़ी और भी बातें हैं, वो अलग हम आपको यूट्यूब पर डाल देंगे। अब आइए बेटा,
जो हमारे एक पर्यावरण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर, आवर एनवायरमेंटल मिनिस्टर इज मिस्टर ठीक है प्रकाश जावड़ेकर। जावड़ेकर ने अभी कुछ दिन पहले यह कहा कि जो कैंपा फंड है उसका मिसयूज ना हो, लेकिन कैंपा फंड का पैसा आप लीजिए और पर्यावरण पे ही खर्च करिए। देन व्हाट इज कैंपा फंड? कैंपा कोला नहीं, कैंपा का फुल फॉर्म है CAMPA, यानी ठीक है कंपनसेशन एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। कैंपा एक इंस्टीट्यूशन है, अथॉरिटी है, जो एफॉरेस्टेशन यानी वन को लगाने के लिए और डिफॉरेस्टेशन वन को काटने के लिए। तो एफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ पौधे लगाना, जंगल लगाना, तो एफॉरेस्टेशन के लिए फंडिंग करती है ये अथॉरिटी। चलिए अब जो मैं कह रहा हूं ये सवाल बनाएगा, हमारा एक पैरामिलिट्री फोर्स है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 1 दिसंबर को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई। ये सब क्या स्थापना होगी? तो बेटा एक हमारा पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका नाम है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। इसका 1 दिसंबर 1965 को फाउंडेशन हुआ। ठीक है, मालूम है इसका हेडक्वार्टर कहां है? छावला गांव न्यू दिल्ली में नजफगढ़ के पास। तो BSF के जो चीफ होंगे उसको क्या कहते हैं? डायरेक्टर जनरल। तो याद रखिएगा BSF के जो DG अभी अपॉइंट हुए कौन है? राकेश अस्थाना IPS ऑफिसर, वो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं किसके? BSF के। लेकिन साथ साथ वो एडिशनल इंचार्ज में NCB के डायरेक्टर बने रहेंगे। NCB बोले तो NCB का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, जिसको आप कहते हैं नारकोटिक कंट्रोल ठीक है ब्यूरो। आप जो रिया के ऊपर जो चल रहा है केस वगैरह सब NCB ही तो डांट रही है ना, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, 1 मिनट। तो करंट अफेयर्स मैं आप लोगों से पूछता रहूंगा, ध्यान में दीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट की बात मैं करूं, तो BSF की बात हो गई, अब आइए रेलवे में। रेलवे से एक सवाल है, गौर करेंगे बच्चों, आर यू लिसनिंग? इंडियन रेलवे के तहत हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है मड़ुआडीह। ये कहीं ना कहीं बनारस के पास है, तो मड़ुआडीह का नाम बदल गया, अब उसका नाम रह जाएगा बनारस। तो उत्तर प्रदेश में इंडियन रेलवे ने कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रख दिया? मड़ुआडीह का नाम बनारस रख दिया। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, जब नाम बदला जाता है किसी रेलवे स्टेशन वगैरह का, तो उसके लिए 3 जगहों से उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, एक डाक विभाग से, पोस्टल ऑफिस से, एक इंडियन सर्वे ऑफिस से, और एक रेलवे खुद देगा, तब जाके नाम बदलेगा। और तीनों ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू कर दिया है, अतः अब से जो है मड़ुआडीह स्टेशन बनारस के नाम से जाना जाएगा। याद रहे बनारस के नाम से कोई स्टेशन नहीं है, वो वाराणसी है, अब ये बनारस होगा मड़ुआडीह। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, बास्केटबॉल का एक प्लेयर है माइकल जॉर्डन, लेकिन अब वो नहीं खेलता,
पर 1985 में एक जूता पहन के वो खेला था। उस जूते को ऑक्शन में बेचा गया। अमेरिका की एक ऑक्शन कंपनी है क्रिस्टी, उसने इस जूते का जो बिक्री की 4,60,00,000 रुपए में एक जोड़ी जूता बेचा। तो आपसे पूछेगा कि इनमें से किस प्लेयर की जो है जूता 4.6 करोड़ में बिका है, तो माइकल जॉर्डन। वो किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित। ये सवाल बनाएगा। एंड आई वुड लाइक टू बी से एक बड़ी अच्छी बात, आप लोग भी ध्यान दीजिए। क्या होता है, एक शब्द होता है ग्रीन कॉरिडोर। ग्रीन कॉरिडोर मतलब क्या, जैसे हम ट्रैफिक में जा रहे हैं तो कभी रेड लाइट आता है, कभी येलो आता है, कहीं हम रुकते हैं, स्थिर होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ग्रीन होता है। लेकिन अगर हम जाएं और पूरे रास्ते हमारे लिए ग्रीन 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 हो जाए, कहीं पे कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं, न तो हमारी गाड़ी की कोई चेकिंग करेगा और ना ही कहीं रेड लाइट आएगी। रेड लाइट आएगा भी तो हमें जाने की पूरी इजाजत है और रास्ता एकदम क्लियर है, जैसे राष्ट्रपति की सवारी चलती है, जैसे पीएम चल रहा होता है, ऐसे जैसे फौज जा रही होती है बॉर्डर पे, तो उसको कहते हैं ग्रीन कॉरिडोर। अब जरा सोचिए ग्रीन कॉरिडोर के बारे में जो बात बताने जा रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से सुनेंगे। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का ठीक है हार्ट बदलना है और एक पेशेंट मर रहा है, तो उसका हार्ट अगर हम उसमें लगा देंगे तो वो मरीज जी जाएगा, इसको तो मरना ही है। तो हार्ट को ट्रांसप्लांट करेंगे, एक के शरीर से दूसरे के शरीर में डालेंगे, तो हार्ट बदल जाएगा। तो मान लीजिए हम तो मर रहे हैं, तो मेरा हार्ट तो ऐसे ही बेकार हो जाएगा। तो ये हार्ट अगर उस व्यक्ति को लगा दे जिसका हार्ट बहुत कमजोर है, वो मरने वाला है, तो हार्ट को डोनेट किया जाता है, हृदय, ठीक है, हृदय रोपण, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। तो अभी अभी क्या हुआ, चेन्नई के एक व्यक्ति को हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करना था और पुणे के एक व्यक्ति ने अपना हार्ट डोनेट कर दिया, तो उस पेशेंट को तुरंत लेके जाएगा, प्लेन तो आजकल चलता नहीं है, तो एम्बुलेंस जाना था, तो पुणे महाराष्ट्र के पुणे से चेन्नई के लिए डायरेक्ट सारे रास्ते में ट्रैफिक को क्लियर कर दिया गया। और उसके लिए पहली हॉटलाइन पर बात हो जाती है, इस नंबर की गाड़ी ये है, इसको रास्ता क्लियर करिए, और पहले ही पता रहता है, और सारा धड़धड़ा के, यानी कि 8 से 10 घंटे में आप पहुंच सकते हैं 100 के स्पीड में। इसको कहते हैं ग्रीन कॉरिडोर। सो आई एम सेइंग टू यू कि अभी अभी ग्रीन कॉरिडोर बना, रीएक्टिव हुआ, कहां, किसके लिए, पुणे से चेन्नई हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के संदर्भ में पेशेंट को ले जाने के लिए, तो दैट इज द ग्रीन कॉरिडोर। ऐसा कई बार हो चुका है, अभी अभी ये हुआ है, कब, 15 अगस्त को, इसलिए सवाल है। अब आइए हम बात करें 19 अगस्त की। अब 19 अगस्त का क्या इंपॉर्टेंस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान दीजिए। यू नो बिहार, बिहार एक स्टेट है, इसकी कैपिटल पटना है, बिहार एक स्टेट है, उसका कैपिटल पटना है, और मालूम है बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है गया, हाँ गुड, और गया डिस्ट्रिक्ट में एक नदी बहती है फल्गु नदी, ब्लू कलर से मैप में दिखेगा तो दिख जाएगा फल्गु नदी। अब ये फल्गु नदी के किनारे सदियों से पितृपक्ष का मेला लगता है, ध्यान देंगे मिस्टर रामेंद्रा, लिसन केयरफुली अनुद्रा, तो पितृपक्ष का मेला लगता है, इसमें क्या होता है, ये इस बार 2 या 3 सितंबर से लगा और ध्यान देंगे 11 सितंबर तक लगा, 10-12 दिन लगता है, लेकिन इस बार पितृपक्ष का मेला नहीं लगा ड्यू टू COVID-19, कोरोना की वजह से नहीं लगा। तो याद रखिएगा पितृपक्ष में क्या होता है, जिनके माता पिता स्वर्गवास मर चुके होते हैं, वह पुरुष जो है अपने पिता का पिंडदान करने के लिए, पूजा करने के लिए, तर्पण करने के लिए गया जाते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसा अपना माइथोलॉजिकल ऑर्डर है। इस बार उनको घर में ही करना पड़ा, गया नहीं गए। अब चूंकि हमारे पिताजी भी गुजरे हुए हैं, माँ हमारी हैं, तो हम लोग भी 2 तारीख से लेके सब अपने अपने कास्ट में लोग करते हैं, कहीं नहीं भी करते लेकिन जनरली करते हैं भारत में सनातन, हमने भी 11 आज तक देखते हैं, अभी तक दाढ़ी नहीं कटाई, क्यों, 2 तारीख से लेके आप देखिए आज तक दाढ़ी एज इट इज है, जैसे तैसे, क्यों, इसमें दाढ़ी वाड़ी नहीं कटाते, तो अब कल जो है हम ब्लेड चलाएंगे, तो ये चीज, तो पूजा करते हैं, तर्पण करते हैं। याद रखिएगा कभी भी पूछे पितृपक्ष का मेला कहां लगता है, गया सिटी, फल्गु नदी, बिहार,
इस बार लगा क्या? नहीं। क्यों नहीं लगा? ड्यू टू कोविड। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। इलेक्शन कमिश्नर, आप ही जानते ना भारत में चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा राज्यसभा का, और इन राष्ट्रपति इन सबके चुनावों में कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ऑफिसर। तो इलेक्शन कमिश्नर एक हैं अशोक लवासा, उन्होंने रिजाइन दे दिया अपनी नौकरी से। मालूम है क्यों? क्योंकि उनका सिलेक्शन एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर हो गया सिलेक्शन। तो यहां रिजाइन देंगे तभी जाएंगे। तो अशोक लवासा आईएएस ऑफिसर और चुनाव अधिकारी बने, इलेक्शन कमिश्नर, अभी उन्होंने रिजाइन दिया। इनका तो वक्त अभी था ही, फिर भी रिजाइन दिया। और कहां गए? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक में ज्वाइन किया एज ए वाइस प्रेसिडेंट। एंड डू यू नो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? एट मनीला, कैपिटल ऑफ फिलीपींस। एंड रिमेंबर, तो उनकी जगह कोई तो आएगा ना, तो उनकी जगह जो आया नया इलेक्शन कमिश्नर, उनका नाम है राजीव कुमार। ही इज ऑल्सो आईएएस ऑफिसर एंड राजीव कुमार ऑलरेडी रिमेन फिनेंस सेक्रेटरी। उनके एक रुपए पर साइन है, तो राजीव कुमार आए। समझ में आई बात? तो ये इलेक्शन रिलेटेड था। अब सुनिए, रैपिड रेल बिटवीन दिल्ली मेरठ फिनेंस्ड बाय एडीबी। गौर से सुनिए, जो हमारा दिल्ली है और जो मेरठ शहर है यूपी का, इन दोनों के बीच जो 80, 85 या 100 किलोमीटर का सफर है, उसके बीच में ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम होता है, टू मच। तो उसके लिए क्या किया गया कि रैपिड रेल चलाओ, 160 किलोमीटर की स्पीड में ट्रेन चलेगी। उस ट्रेन की जो बॉगी है, तो मिस्टर रुद्रा, आर यू लिस्टिंग केयरफुली? लिसन, तो मैंने क्या कहा बेटा कि रैपिड रेल जो चलेगी अगले साल, तो नहीं 2022 तक चल जाएगी दिल्ली से मेरठ के बीच में, उस रेल के चलने के लिए जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके लिए फिनेंस एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है। आपका सवाल आएगा, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल परियोजना के लिए कहां से फिनेंस किया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब इसके लिए जो 160 किलोमीटर की स्पीड में जो बोगी रन कर सके इंजन के साथ, उस बोगी को कहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं? कहीं से नहीं। कहां बना रहे हैं? देश के भीतर, अंडर मेड इन इंडिया प्रोग्राम। कहां पे इसकी फैक्ट्री है? सावली, गुजरात। ऐसे सवाल आएगा, सावली, गुजरात। समझ में आई बात? तो ध्यान में रखना है, जो मैं बता रहा हूं उसको गौर से समझिए। अब जो मैं बता रहा हूं उसको सुनिए, 10 मिनट और है आपका, अभी और भी होगा, इंतजार करिए। ध्यान देना है, बैंकिंग की मैं बात कर रहा हूं बेटा। एचडीएफसी एक बैंक है जो 1994 में एस्टेब्लिश्ड हुआ। एचडीएफसी का मतलब होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और एक बैंक है आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। तो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक दोनों में चाइना की एक बैंक है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। चाइना का एक बैंक है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 15 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है अभी अभी। किसमें? तो आईसीआईसीआई में, और 0.0065 स्टेक खरीदा है। तो एचडीएफसी में करने के बाद आईसीआईसीआई में, ध्यान रखना है। अब जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा आप सभी। इंडियाज फर्स्ट हर्बल म्यूजियम, भारत का पहला आयुर्वेदिक हर्बल म्यूजियम। बेटा हर्बल का अर्थ जड़ी बूटी भी होता है और आयुर्वेदिक भी होता है। तो हर्बल म्यूजियम मतलब जड़ी बूटी का म्यूजियम कहां एस्टैब्लिश्ड हुआ है? ऐसे ही सवाल करेगा, ठीक है, एक मिनट।
तो भारत का पहला हर्बल यानी जड़ी बूटी का म्यूजियम कहां स्थापित हुआ, तो मैं उसके बारे में बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए। इंडियाज फर्स्ट हर्बल म्यूजियम एट गोपेश्वर उत्तराखंड। गोपेश्वर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहां स्थापित हुआ। HRDI हर्बल रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इसका नाम रखा गया है। 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, इनके 3 प्रशिक्षण केंद्र ट्रेनिंग सेंटर भी एस्टेब्लिश्ड हुआ है। कहां कहां? पिथौरागढ़ जो एक डिस्ट्रिक्ट है, चमोली जो एक डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी जो एक डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो हंड्रेड्स मोर देन प्रोडक्ट्स है, इसको 6 कैटेगरी में डाला गया है। लिसन केयरफुली, हाउ मेनी कैटेगरीज? 6 कैटेगरीज में। एंड नाउ लिसन केयरफुली, ये जो 6 कैटेगरी है उसको मैं समझा रहा हूं। न्यूट्रोस्यूटिकल्स यानी ऐसा उत्पाद जो हमें ताकत देता है, न्यूट्रिशन देता है, पोषक तत्व देता है, ठीक है। दूसरा फार्मास्यूटिकल्स जो दवाई के रूप में काम आता है, तबियत बिगड़ती है तो दवाई के रूप। तीसरा कॉस्मेस्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक आइटम जो होता है, आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, ठीक है, आयुर्वेदिक क्रीम आयुर, तो ये अगला है एरोमास्यूटिकल्स। एरोमा मतलब होता है सुगंध, जो सुगंध देता है, जैसे रूम फ्रेशनर होता है, तो ये सब चीजें। उसके बाद है डिसइंफेक्टेड यानी कोई जो इंफेक्शन हो जाता है उसको दूर करने वाली दवाई। और फिर स्पाइसेस, बहुत सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी तो हम मसाले के तौर पर खाते हैं, तो ये 6 तरह के हैं। समझ में आई बात हमारी? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट, लिसन केयरफुली मिस्टर रामेंद्र, आर यू लिसनिंग? यस। मेघालय अपना एक स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, जिसकी राजधानी शिलोंग है। वहां पे एक गवर्नर होते ही है, तो अभी अभी मेघालय के गवर्नर जो थे तथागत राय, रिमेंबर, मेघालय के गवर्नर तथागत राय का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, तो उनकी जगह पर केंद्र सरकार, राष्ट्रपति ने गोवा के राज्यपाल का ट्रांसफर कर दिया मेघालय। तो अब सतपाल मलिक गोवा से ट्रांसफर होके मेघालय आ गए, पहला पॉइंट। देन गोवा का राज्यपाल फिर अब कौन रहा? तो गोवा के बगल में है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोशियारी। तो भगत सिंह कोशियारी को गोवा का एडिशनल चार्ज भी दे दिया गया है। सो दैट विल बी योर क्वेश्चन। अब यहीं पर एक चीज बता दे जो सवाल आएगा। ऐसा है कि आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट था, अब 2 पार्ट बट के 2 यूनियन टेरिटरी हो गया, यूटी हो गया, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने आर के माथुर, जो आज भी हैं। और जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे ऑटोमेटिकली उसके बाद वो क्या बन गए? लेफ्टिनेंट गवर्नर सतपाल मलिक। उनका ट्रांसफर गोवा हुआ तो उसकी जगह पर कौन गए? जेसी मुर्मू, जगदीश चंद्र मुर्मू। और मुर्मू साहब को वहां से हमने ट्रांसफर कर लिया और वहां से क्या बना दिया? कंप्ट्रोलर, ठीक है, तो मतलब कैग बना दिया, ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बना दिया कैग। तो अब कौन है? तो मिस्टर मनोज सिन्हा द बीजेपी कैडर्स। मनोज सिन्हा अब लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए जम्मू कश्मीर के। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस, ठीक है, 1 मिनट। अब आइए अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या बनता है अब समझिए। आवर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री शट डाउन 10 रीजनल ऑफिस। ये हॉट क्वेश्चन होगा लेकिन लेवल हाई होगा। कहने का मतलब जो मैं कह रहा हूं उसको गौर से सुनिए। हमारे जो पर्यावरण मंत्रालय है, इस मंत्रालय ने अपने 10 क्षेत्रीय कार्यालय को बंद कर दिया है। सवाल ऐसे आएगा, भारत सरकार की वह कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने अपने 10 क्षेत्रीय कार्यालय को बंद कर दिया गया है? तो हम बोलेंगे पर्यावरण मंत्रालय। अब अगले पॉइंट पर आइए। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर,
बेटा हम जब यहां से गाड़ी से बिहार जाते हैं तो वहां से होते हुए गुजरते हैं जहां बीच रोड पे गौतम बुद्ध की प्रतिमा आती है। तो मेरा बेटा भी कह रहा है हाँ पापा। तो कहने का मतलब कुशीनगर में एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक यूज है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, और कुशीनगर गौतम बुद्ध का यू नो रेस्टिंग प्लेस है। वहां पर उनको मृत्यु प्राप्त हुई थी, यानी समझ गए होंगे, अर्थात महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो वहां पर पूरे विश्व के बौद्ध लोग देखने आते हैं, तो वहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो तो अच्छा है। तो कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ्लाइट शुरू होने जा रही है इसी साल 30 नवंबर 2020 से। दैट इज इंपॉर्टेंस। 23 अगस्त 2020 मन की बात का 68वां संस्करण मिस्टर मोदी ने दिए मन की बात। तो अब तक मन की बात कितनी हो गई आप भी जानते हैं, 23 को, और अभी बहुत जल्दी फिर एक मन की बात आएगी, तो याद रखने की चीज है। अब आइए फरवरी 2019, ठीक है, अच्छा टाइम क्या हुआ वो हमें देखना पड़ेगा बेटा। हाँ टाइम है फरवरी 2019 के संदर्भ में अगर गौर करें तो भारत के कुछ भारत सरकार के एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट भारत सरकार का ही होता है क्योंकि एविएशन मामला ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है स्टेट का, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है एविएशन, नागरिक उड्डयन, एरोप्लेन, एयरपोर्ट। तो भारत सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसमें सरकार भी हिस्सेदार है और प्राइवेट कंपनी भी हिस्सेदार है, तो उस एयरपोर्ट के टोटल मैनेजमेंट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीम के तहत कुछ एयरपोर्ट को अडानी इंटरप्राइजेस ने बोली लगाई और उसको मिला, यानी 50 वर्ष के लिए वो एयरपोर्ट लीज पे चला गया है फॉर देयर डेवलपमेंट मैनेजमेंट एंड समथिंग्स, और उससे अच्छी खासी रकम ली जाती है, उस रकम से फिर दूसरा एयरपोर्ट डेवलप होता है, ऐसे चलता है। तो याद रखिएगा लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी, ये सभी लीज पर जा चुके हैं अडानी इंटरप्राइजेस, और फिर अभी लीज पर जा रहा है अमृतसर, वाराणसी, इंदौर, रायपुर, भुवनेश्वर, त्रिची, त्रिची तमिलनाडु में है, इसके लिए भी अब बोली लगने वाली है। सितंबर में लगनी थी, कोरोना की वजह से डिले हुआ, सितंबर लग जाएगा अक्टूबर। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वह बात स्वच्छ, ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण से रिलेटेड है, पर आज उचित नहीं है यह बात करना, बिकॉज वी हैव नो टाइम, वी विल डिस्कस टुमारो, ठीक है, तो कल हम लोग काम करेंगे, और तब तक के लिए गुड नाइट।